वेलकम बैक नाजीन। एक मामला ज़ेरे गौर आया आज रुकन सिंध असम्बली शाजिया करीम ने वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ FIA में जो है वो तहकीकात के लिए एप्लीकेशन दी है और ये कहा गया है कि हरासा किया जा रहा है उनको, ये इल्ज़ाम लगाया है। अब इसके ऊपर तहकीकात हो रही है और फिर एक बड़ी डिटेल सामने आई कि कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप था, व्हाट्सएप मैसेजेस थे। बहरहाल ये व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो हरासा करने की कोशिश की गई है, जबकि शाजिया के हवाले से बात बता दें कि वो अपने सेंडिकेट की मेंबर भी हैं। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा K24 न्यूज़ फैज़ बुलैदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैज़, ये क्या मामला है? FIA तक तहकीकात का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल, ये रुकन सिंध असम्बली है, पीपल्स पार्टी की उनका ताल्लुक है। लियारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं अख्तर बलोच, उनकी जानिब गैर अखलाकी मैसेजेस किए गए थे MPA को, जिसके बाद MPA ने अपनी पार्टी की आला क्यादत से राबता किया और दरख्वास्त की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ साथ उसके बाद सिंध असम्बली है, उन्होंने FIA जो सर्किल के हेड है उनसे भी रابطہ किया है। आज वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और तमाम वो जो मैसेजेस हैं और मोबाइल का जो रिकॉर्ड है वो भी FIA को फराहम किया गया है और FIA से दरख्वास्त की गई है कि जो वाइस चांसलर है लियारी यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। मगर अभी तक इस हवाले से जो FIA हुकाम है उनका कहना है कि हमने, हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, एप्लीकेशन आई है, उसके बाद हम इस हवाले से मामला देख रहे हैं और बाकायदा तौर पर इस हवाले से हमने तहकीकात का आगाज कर दिया है और जिसके बाद अब जो है वजीर आला सिंध की जानिब से भी एक्शन लिया गया है। वजीर आला सिंध ने इस मामले पर बरहमी का इजहार किया है और सिंध हुकूमत के जो तर्जमान हैं मुर्तजा वहाब, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इस मामले को फैजी, मामला है क्या? रुकन सिंध असम्बली शाजी संगार ने कहा क्या है कि हरासा कैसे कर रहे थे, क्योंकि ये सिंडिकेट कमेटी की मेंबर भी हैं उसी यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल, उन्होंने जो इल्जाम लगाया है कि उनके जो पर्सनल नंबर हैं मोबाइल के, उन पर मैसेजेस आए हैं वाइस चांसलर साहब के और उन्होंने बेहुदा पैगाम भेजे हैं और काबिल एतराज मैसेजेस किए हैं, वीडियो क्लिप भेजी है जो बहुत ही नाशाश्ता जबान इस्तेमाल की गई है। इस तरह के जो पैगाम भेजे गए हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने जो हमसे शेयर की हैं कुछ चीजें और कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्ड हमें भी उन्होंने पर्सनल भेजा है जो हमने देखा है और बहुत ही बेहुदा पैगाम हैं जो वाइस चांसलर की जानिब से जो है भेजे गए हैं MPA को। अच्छा, इस तमाम मामले पर वाइस चांसलर अख्तर बलोच की जानिब से कोई वजाहत की गई अब तक, कोई मौकफ आया इनका? जी, वाइस चांसलर का कहना है कि उनका मोबाइल हैक हो गया था जिसके बाद ये मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड हुए हैं, गलती से ये मैसेजेस गए हैं, उन्होंने जानबूझ के कोई मैसेज नहीं किया। मगर समझ नहीं आता कि इस तरह किस तरह हो सकता है कि एक इतना अहम बंदा और वाइस चांसलर है, इतनी अहम पोस्ट पर वो तैनात है और वो कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है और उनका मोबाइल हैक हो गया था। बहरहाल इस हवाले से अब FIA के पास ये शिकायत मौसूल हुई है और FIA ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। साथ साथ वजीर आला सिंध ने भी इस मामले पर एक कमेटी बना दी है जिसमें जो पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली है शर्मिला फारूकी वो उसकी मेंबर है, वकार मेहदी उसके मेंबर है, एक और उसके मेंबर है। तीन रुकनी ये कमेटी है जो इस मामले पर तहकीकात कर रही है। और मैं बिलाल आपको ये भी बताऊं कि ये जो वाइस चांसलर है इनकी तैनाती ही गैर कानूनी है, इनको बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी जो है टेस्ट के इनको यहाँ पर वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया था और जो टीम जब इनको मुकर्रर किया गया था, तैनात किया गया था, उस टाइम जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें इनका नंबर नाम जो है वो सेकेंड नंबर पे आया था और जिसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर जिसका नाम था उनकी तैनाती कहीं और हो गई। मगर इस हवाले से जो मामलात हम तक पहुंचे हैं उसके मुताबिक इसकी तैनाती ही गैर कानूनी है। ये जो वाइस चांसलर बैठे हैं ये गलत तरीके से गैर कानूनी बैठे हुए हैं और सालों से बैठे हुए हैं, 2018 जब ये इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक सवाल यहाँ पर और बनता है, ये जो हरासगी का शिकार खातून है जो की खुद सिंडिकेट की मेंबर भी है, ये पहले भी माली बेजाबतगियों पर इनके खिलाफ आवाज उठाती रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इस MPA की जानिब से
जो अब सामने मामला आया है, शिकायत की गई है कि वाइस चांसलर उन्हें हिरासा कर रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी जो लोग थे उनकी जानिब से ये शिकायत मौसूल हुई है। सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की आला क्यादत को दरख्वास्तें दी गई हैं कि भाई वाइस चांसलर उनको हिरासा कर रहा है, और मुतअद्दिद शिकायत हैं इनकी। और इस हवाले से ये मामलात अब के नहीं है, पुराने मामलात हैं, मगर चूंकि अब तक किसी ने इस मामले को उठाया नहीं। अब जो मामला हुआ है जिस एनपीए के साथ, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी क्यादत को दरखास्त की है और साथ साथ एफआईए को ये दरखास्त की है, और एफआईए सर्किल पहुंच गई है, और मीडिया में ये चीजें जब से रिपोर्ट हुई है तो ये मामला हाईलाइट हो ठीक है। ये एफआईए इन्वेस्टिगेशन करती दिखाई दे रही है, एफआईए का इस तमाम सिनेरियो पर क्या कहना है, इब्तदाई तौर पर क्या चीजें सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, एफआईए सर्किल का कहना है कि चूंकि अब तक जो ये इंफॉर्मेशन है एमपीए की जानिब से वो उन्हें मिल चुकी है, और एमपीए की जानिब से दरखास्त भी दी गई है, मोबाइल का तमाम जो डेटा है वो एफआईए को फराहम किया गया है, जो स्क्रीनशॉट है वो उनको दे दिए गए हैं। तो अब फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईए ने शुरू कर दी है, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में मालूम हो जाएगा। साथ साथ चूंकि वजीर आला सिंध ने भी बरहमी का इजहार किया है और एक कमेटी बना दी है जिसने तहकीकात का आगाज कर दिया है, तो अब चंद दिन के बाद पता चल जाएगा कि इसमें कसूरवार जो वीसी है जिन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आया वाकई उनके पर ये मामला है, साबित होता है या नहीं होता, तो ये कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें मजीद चीजें वाजे हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ बलदी, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मामले से आगाह कर रहे थे। और रुकन सिंध असम्बली शाजी सिंगार के हवाले से अगर बात की जाए तो वाइस चांसलर अख्तर बलोच के ख़िलाफ़ ये जो है वह एफआईए जा चुकी है, और एफआईए की तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है। और एफआईए की जानिब से एक हैरान कुन बात ये भी सामने आई है कि स्टार्टिंग में जब राबता करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, फिर मौसूफ़ की जानिब से एक पैगाम भी चलाया गया कि व्हाट्सएप हैक हो चुका है, लेकिन एफआईए कई सवाल उठाती दिखाई देती है कि व्हाट्सएप अगर हैक हुआ है तो सिर्फ एक ही खातून को क्यों बार बार मैसेजेस किए गए हैं, दीगर कोई ऐसा कंप्लेंट है नहीं जिसको ऐसे मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए हों। और रही बात माली बेजाबतगियों के हवाले से तो वक्तन फवक्तन इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती रही है, और अभी हमारे नुमाइंदे ने भी इस बात का जो है वो बताया है कि जिस तरह से इस सीट पर विराजमान है तो उस पर भी शकूक व शुबात जाहिर होते दिखाई दे रहे हैं। देखना ये कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है वो क्या करती दिखाई देती है, और क्या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, आया ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं या फिर ये बेबुनियाद साबित होती हैं, ये फिर एफआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर कुछ और भी स्टोरीज हैं उसको भी शामिल करेंगे।